तो हम लोग पढ़ रहे थे ECIL का, जैसा कि मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन जो था, और उसका एग्जाम जो है आपका विदाउट गेट है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग टॉपिक वाइज जो है उसकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन का सेट है हर एक आपके पास टॉपिक का, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, माइक्रोवेव। ठीक है, तो सभी लोग जितने भी लोग हैं सेशन को ज्वाइन कर लीजिए फर्स्ट, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और उनको बताइए कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोवेव के कुछ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, गेट के अलावा जो आपके पास अदर सब्जेक्ट है उन पे जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के मत जाइए, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया आपके पास, मटेरियल साइंस हो गया आपके पास, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उसको हम लोग कर चुके हैं, है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपके पास। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप क्या करिएगा, छोड़िएगा मत, इन पे क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा। टाइम आपके पास ज़्यादा ना हो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो प्री के क्वेश्चन हैं उनको देख के चले जाइएगा, लास्ट 5 ईयर के, तो हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको वैसे देखने को वहां मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑडियो वीडियो ठीक है, क्लियर है, एक बार कंफर्म करो भाई। सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और सॉल्व करना स्टार्ट करें, हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट का टाइम है। तो यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट का टाइम लीजिए हर एक क्वेश्चन के लिए, और ट्राई करिए। जो भी आपके नोट्स हैं उनसे ट्राई करना चाहो, वहाँ से देख लो, सॉल्व करो। कैपिटल एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट साइकिल्स इन द ड्रिफ्ट स्पेस ऑफ अ टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर। वट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड द आउटपुट करेंट ऑफ द एम्पलीफायर। ठीक है, तो वी हैव ऑप्शन पाई बाई टू माइनस टू पाई कैपिटल एन, पाई बाई टू प्लस टू पाई कैपिटल एन, पाई माइनस टू पाई कैपिटल एन एंड पाई प्लस टू पाई कैपिटल एन। बताइए क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट इज पाई बाई टू माइनस टू पाई कैपिटल एन, डन। चलिए नेक्स्ट वन, वाई इज एन एटेन्यूएटर यूज्ड इन अ TWT ट्रेवलिंग वेव ट्यूब टू हेल्प वंचिंग, टू प्रिवेंट ऑसिलेशंस, टू प्रिवेंट सेचुरेशन एंड टू इंक्रीज गेन। क्या आंसर होगा, टू हेल्प बंचिंग, टू प्रिवेंट ऑसिलेशंस, टू प्रिवेंट सैचुरेशन और टू इंक्रीज गेन। दो मिनट है सभी के पास, जल्दी सोचिए, बताइए क्या आंसर सही होना चाहिए।
करेक्ट, सही आंसर आपके पास क्या है? द एटेन्यूएटर यूज्ड इन अ टीडब्ल्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑसिलेशंस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट्स रिजल्ट मेनली फ्रॉम पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डायलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ फेराइट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन स्पिन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मेनली किसकी वजह से है बताइए? मेनली फ्रॉम विच वन? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ फेराइट रिजल्ट्स मेनली फ्रॉम द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन स्पिन। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे वन लाइन क्वेश्चन आएंगे आपके पास, मटेरियल साइंस के जो आपके माइक्रोवेव के जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सिंगल लाइन के आपके पास होंगे, बस आपको याद रखना है और आप उसको देखते साथ टिक करेंगे विदाउट एनी कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट वन। चलिए, ये क्वेश्चन आपका मैजिक टी का है। मैजिक टी का एक लेक्चर मैंने लिया हुआ भी है, अगर आप लोग किसी को भी मैजिक टी पढ़ना है तो वहां जाके आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। इन अ माइक्रोवेव मैजिक टी, ई प्लेन एंड एच प्लेन्स आर इन फेज, आउट ऑफ फेज, आइसोलेटेड, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज फॉर मैजिक टी। इन अ माइक्रोवेव मैजिक टी, ई प्लेन एंड एच प्लेन कैसे होते हैं? ये फेज में होते हैं या फिर आउट ऑफ फेज मतलब 180, या फिर आइसोलेट होते हैं, या फिर आपके पास ये 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं। ध्यान करिए, मैजिक टी क्या पढ़ाया था उसमें, देखिए ई प्लेन एंड एच प्लेन। देखिए, ध्यान रखिए, अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, मैजिक टी के बारे में, तो उसमें आपके पास ई प्लेन और एच प्लेन कैसे होते हैं? दे आर आइसोलेटेड। आंसर क्या हो गया हमारे पास? सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट, राइट? दे आर आइसोलेटेड। डन, नेक्स्ट वन। क्लेस्ट्रॉन ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। ये तो बहुत आसान है, वेरी इजी। क्लेस्ट्रॉन ऑपरेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या फिर आपका फेज मॉड्यूलेशन, विच वन बताएं? ये तो देखा जाए क्वेश्चन तो हम लोग बिना मतलब उसके कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ए एम, एफ एम, पी एम, ये सारी चीजें आपने कम्युनिकेशन में देखी थी, बट जबकि क्लिस्ट्रॉन आपके पास जो है उसका प्रिंसिपल एकदम अलग। कौन सा प्रिंसिपल है वो? इट इज अ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, ए ऑप्शन, राइट? यहाँ पे आपके पास एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रिक्वेंसी ये मॉड्यूलेशन नहीं होते। कौन सा मॉड्यूलेशन होता है? वेलोसिटी, राइट? ठीक है, आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोवेव डायोड्स इज सुटेबल फॉर लो पावर ऑसिलेशंस एप्लीकेशंस ओनली। लो पावर ऑसिलेशंस एप्लीकेशंस ओनली, राइट? कौन सा माइक्रोवेव डायोड यहाँ पे? टनल, इम्पैक्ट, वैरेक्टर और गन, विच डायोड? फॉर लो पावर ऑसिलेशंस। तो टनल सही आंसर है ना। टनल डायोड इज यूज्ड फॉर वेरी लो पावर ऑसिलेशंस, ठीक है? सो टनल इज करेक्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग डायोड्स, गन डायोड, शॉट के डायोड, क्रिस्टल डायोड, टनल डायोड। विच ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज डिटेक्टर डायोड? इनमें से कौन सा आपके पास, किसका हम लोग यूज करते हैं एज अ डिटेक्टर डायोड? विच वन? लाइक करिए सेशन को, सभी लोग जिन्होंने सेशन को अभी जस्ट ज्वाइन किया है, लाइक करिए सेशन को और अपने अपने आंसर बताइए। तो टोटल हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास अराउंड आपके 12 सब्जेक्ट हैं। तो 12 सब्जेक्ट जो हैं उनके हम लोग 30 क्वेश्चन जो हैं उनका सेट बनाएंगे। आप लोग उसकी प्रैक्टिस करना चाहें और ECIL तो कर सकते, ठीक है? तो जैसे कि हमारा मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, अभी ये 30 क्वेश्चन का आपका माइक्रोवेव है, फिर हम लोग प्लान करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की, एंड उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे मटेरियल साइंस के लिए, ठीक है? फिर आपका एनालॉग, नेटवर्क, ऐसे करके टोटल 12 जो है 30 क्वेश्चन के सेट बनेंगे। तो जो कोई भी ECIL की फॉर्म जिसने भी फिल किया है और प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, ठीक? चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। लाइक करिए सेशन को, बताएं फिर से जिन्होंने अभी नया नया सेशन जस्ट अभी ज्वाइन किया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये टोटल आपके जो हैं कितने सब्जेक्ट्स हैं, 12 है ना, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं 12, 12। तो हर एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन का सेट है और ECIL। आई होप सभी ने ECIL का फॉर्म तो भरा ही होगा, सब ने ट्राई किया होगा रिटर्न के थ्रू। अगर गेट आपका अच्छा नहीं हो पाया है तो ये विदाउट गेट है, जिसने फॉर्म नहीं फिल किया है आप एक बार उसकी डेट देख लीजिए, लास्ट डेट क्या है उसकी, और इस फॉर्म को जरूर ध्यान से सभी लोग फिल कर लीजिए, ठीक है? तो ये जो 12 आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि उसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से सभी लोग क्या करें, इन क्वेश्चंस पेपर को जो भी मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करो और सभी लोग एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करके आओ, ठीक है? चलो, सो लाइक द सेशन एंड अपने अपने आंसर जो भी है बताएं। बताइए क्या आंसर सही होगा, किस पर?
करेक्ट आंसर शॉटकी डायोड एंड क्रिस्टल डायोड, ये सही है दिया करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। आपके पास जो डायोड होते हैं शॉटकी एंड क्रिस्टल, दे आर यूज्ड एज अ डिटेक्टर डायोड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक चलो आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पे चलें। चलो इसको बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। देखो आप लोगों का गेट का पेपर जो था वो अच्छा नहीं गया, मान लीजिए कई लोग अच्छा मतलब उसमें नहीं कर पाए, तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है विदाउट गेट उनके लिए थोड़ा सा सीरियस रहिए, है ना। दोबारा फिर से अपने नोट्स का रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, हो सकता है कि क्या पता आपको ECL में रिटर्न के थ्रू आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाए, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बने, ठीक है ना। बाकी जो गेट वाले हैं स्टूडेंट जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनके लिए कल एक नोटिफिकेशन मैंने बताया था NPCI है, दूसरा आपके पास आया हुआ है काफी ज्यादा बम्पर वैकेंसी के साथ में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो फॉर्म जरूर फिल कर लें आप लोग जो भी गेट क्वालिफाई किए हैं अच्छे नंबर से, है ना, इनके रैंक अच्छे है। बाकी इनका गेट नहीं गया अच्छे से आप लोग क्या करें, आप लोग ECL का पेपर हो गया, ऐसे अपकमिंग जो भी आपके एग्जाम आएंगे उन पर फोकस रखिए। गॉट इट, चलो भाई सॉल्व करो। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बंचिंग प्रोसेस इन क्लेस्ट्रॉन। बंचिंग अकर्स इन टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर्स, बंचिंग अकर्स इन मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर्स, एंड बंचिंग अकर्स इन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर्स। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है, वन और टू या फिर सेकेंड और थर्ड या फिर फर्स्ट और थर्ड या फिर सारे सही, ऑल आर करेक्ट। बताओ भाई जल्दी से एनीवन, किसी का आंसर बंचिंग प्रोसेस इन क्लेस्ट्रॉन। बंचिंग अकर्स इन टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर्स, ये तो सही है करेक्ट पॉइंट, ठीक है। बंचिंग अकर्स इन मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर, ये भी ठीक है वहां भी बंचिंग होती है ना। बंचिंग अकर्स इन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर, ये भी ठीक पॉइंट है वहां भी आपके पास बंचिंग है, आंसर क्या हो गया फिर डी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट, 1 2 3 ये आपके पास तीनों सही है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट वन, अ डायोड विद नो जंक्शन दैट इज वाइडली यूज्ड विद अ कैविटी रेजोनेटर टू फॉर्म अ माइक्रोवेव ऑसिलेटर इज इम्पैक्ट डायोड, ट्रैपेड डायोड, टनल डायोड और गन डायोड। विद नो जंक्शन, ठीक है ध्यान रखिएगा क्या लिखा उसने, अ डायोड विद नो जंक्शन दैट इज वाइडली यूज्ड विद अ कैविटी रेजोनेटर। टू फॉर्म अ माइक्रोवेव ऑसिलेटर, कौन सा डायोड होता है भाई, इम्पैक्ट, ट्रपेट, टनल, गन, विच वन,
आपके पास आंसर क्या आया यहां पर? गन डायोड, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? गन, किसी पे नहीं बना, कोई बात नहीं, तो आंसर इसका करेक्ट क्या है? इसका आंसर है गन डायोड, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, चलिए सारे स्टेटमेंट पढ़िए एक बार अच्छे से, मैं यहाँ पे आपके लिए मार्क कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास है 1, 2 एंड 3, राइट, और यहाँ पे आपके पास क्या है? 2, 3 एंड 4, गॉट इट? चलो भाई ट्राई करो। द क्लेस्ट्रॉन एंड ट्रेवलिंग वेव ट्यूब डिफर फ्रॉम ईच अदर, कैसे भैया डिफर है? इन टी डब्ल्यू टी द माइक्रोवेव सर्किट इज नॉन रेजोनेंट, ओके, इन क्लेस्ट्रॉन द माइक्रोवेव सर्किट इज रेजोनेंट, ठीक है, टी डब्ल्यू टी यूजेज एटेन्यूएटर, ओके, ऐसा कुछ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कुछ। द वेव इन टी डब्ल्यू टी इज अ नॉन प्रोपोगेटिंग वेव, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? बताइए क्या आंसर सही होना चाहिए। चलिए करिए ट्राई जल्दी से, देखो क्या आंसर होगा। द वेव इन टी डब्ल्यू टी इज नॉन प्रोपोगेटिंग वेव, ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना? फोर्थ वाला जो है ये तो कुछ समझ से ही बाहर हो गया, ऐसा हो सकता है नॉन प्रोपोगेटिंग वेव हो सकता है? फोर्थ जो है वो तो गलत है आपका, ठीक है, तो फोर्थ अगर आपका गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन बी और डी ये तो एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी, देखिए ए और सी में से क्या हो सकता है? फोर्थ तो गलत है, फोर्थ तो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, गलत है, बताइए क्या हो सकता है? इन टी डब्ल्यू टी द माइक्रोवेव सर्किट इज नॉन रेजोनेंट, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इन क्लेस्ट्रॉन द माइक्रोवेव सर्किट इज रेजोनेंट, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। टी डब्ल्यू टी यूजेज एटेन्यूएटर, ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, सो इट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, सी आपका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए। यस और नो जल्दी बताओ भाई, 30 क्वेश्चन पूरे कैसे कंप्लीट करोगे, इतना स्लो टाइम लोगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, देखते हैं आपको आंसर बता देना चाहिए, इसमें आपको 1-2 मिनट लेने का मतलब ही नहीं बनता कोई। चलिए नेक्स्ट, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं इस आईएल के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली आके मेरे साथ कर सकते हैं, और आप पढ़ रहे हैं अगर आप सीरियस हैं, गेट का पेपर अगर आपका अच्छा नहीं गया या फिर अच्छा गया है उसके बाद भी आप पीएससीएस के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है ईसीआईएल का पेपर। रेशियो भी सही बुलाया है उसमें, शायद 1:5 का रेशियो शायद है ना, तो अच्छा मौका है, पढ़िए। ठीक है, किसी कुछ पूछना है कुछ पूछ सकते हैं आप लोग, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम के बारे में या फिर कुछ और आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, करिए आप लोग, 1 मिनट दीजिए मुझे।
बताइए क्या आंसर आया। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू मेजर पावर आउटपुट ऑफ अ 2 kW TWT एम्पलीफायर। TWT है लो पास हाई पास फिल्टर, 20 dB अटेन्यूएटर, 40 dB डायरेक्शनल कपलर विथ मैच लोड पावर मीटर। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कनेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। ये आपके सर्किट जो आपने वहां पे बनाया होगा TWT एम्पलीफायर का, वहां आपने डिजाइन किया होगा, आप तो उसको नोट्स में दे सकते हैं, आपके नोट्स में होगा पक्का अगर आपके पास नोट्स हैं तो। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है आपके पास बताओ, कौन बता रहा, करेक्ट सीक्वेंस क्या है आपके पास। नहीं, बी कैसे हो जाएगा, बी तो नहीं होगा ना, बी नहीं होगा। पहले TWTA है फिर 20 dB अटेन्यूएटर, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है पहले TWTA है फिर लो पास और हाई पास फिल्टर, उसके बाद आपके पास क्या आता है 40 dB डायरेक्शनल कपलर विथ मैच लोड, फिर आता है 20 dB अटेन्यूएटर, फिर आता है आपके पास पावर मीटर। तो सही आंसर क्या हमारे पास, सी पार्ट, सी आपके पास सही आंसर। ठीक है करेक्ट सीक्वेंस क्या है, 1 2 4 3 5, ये करेक्ट सीक्वेंस है जो आप बता रहे हो, बी वो नहीं है, ठीक है बी इज रॉन्ग। क्लियर, ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स। किसको यूज करते हैं आप, सिलिकन को, जर्मेनियम को, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन को, या फिर गैलियम आर्सेनाइड। पर ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट जहां तक मुझे याद है आपके पास हम लोग यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, राइट, डी ऑप्शन, ठीक है डी सही। नेक्स्ट, विच ऑफ दी फॉलोइंग डिवाइसेस हैज अ नेगेटिव, ये तो सभी को याद है, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, सबको याद होगा तो, है ना। सभी को पता होगा नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ पढ़ा था आप लोगों ने, याद कर लीजिए जल्दी से, गन डायोड, करेक्ट है, इन गन डायोड ऐसे था ना, जब उसका आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था तो जो करेक्टरिस्टिक उसमें आपने देखा था कैसा था, कुछ ऐसा था, पहले तो वो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, उसके बाद जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे आपका करंट कम होगा, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट था आपका, ये पार्ट क्या था गन डायोड में, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला, है ना, कौन सा पार्ट था ये, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला, ठीक है। Got it?
है, तो सही आंसर हमारे पास कितना आया? वन सेकेंड, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक, मैग्नेट्रॉन सही है, करेक्ट है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोवेव सोर्स विद अ क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर इज मैग्नेट्रॉन, ठीक है, करेक्ट, सी, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। सही आंसर क्या होगा हमारे पास? मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट वन, इन अ TWT द हेलिक्स इज यूज्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, याद आ रहा है सभी को? हेलिक्स, इन अ TWT द हेलिक्स इज यूज्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, स्लो वेव स्ट्रक्चर, फास्ट वेव स्ट्रक्चर, ये तो मतलब ही नहीं है फास्ट वेव का ना, एम्पलीफाइंग एलिमेंट, ओके, उसके लिए भी आपके पास कुछ होता है, एटेन्यूएटिंग एलिमेंट, बताइए क्या सही है। इन अ TWT द हेलिक्स इज यूज्ड एज स्लो वेव स्ट्रक्चर, ठीक है ना? तो सही आंसर हमारे पास क्या है? ए पार्ट। ए पार्ट सही है, बिल्कुल ठीक, काम ही ये था उसका, है ना, ए, स्लो वेव। डन, चलिए नेक्स्ट वन। अ गन डायोड इज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हम लोगों ने, कौन सा पार्ट आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है उसका, विच इज यूज एज सोर्स ऑफ माइक्रोवेव, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीएन जंक्शंस, गन डायोड इज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज यूज एज सोर्स ऑफ माइक्रोवेव, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीएन जंक्शंस इन गन डायोड, बताइए कौन बताएगा? नंबर ऑफ पीएन जंक्शंस 1, 2, 3 और 0, सिंबल देखा कैसा होता है इसका, कुछ इस तरीके से, मैं से आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, वैसे प्रॉपर बनाना चाहिए सारे पॉइंट, बस ठीक है समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एन प्लस, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन प्लस, हैवली डोप्ड, प्लस मतलब हैवली डोप्ड, ये है गन डायोड, राइट? तो क्या यहाँ पर आपको कोई भी पीएन जंक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 0 पॉइंट, ठीक है, आंसर क्या आएगा आपके पास? 0 आएगा, ठीक है ना? जीरो आपका आंसर है, नो पीएन जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन अ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन द एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द एनोड विल रिजल्ट इन चेंज ऑफ आउटपुट पावर, आउटपुट पल्स विड्थ, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन,
आउटपुट सिग्नल्स टू नॉइज रेशियो। इन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन बताइए जल्दी से। कई लोगों को तो डायग्राम ही नहीं याद होगा, है ना? रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन जो है कैसे था आपके पास, क्या वर्किंग थी, ये नहीं याद होगा। चलिए आंसर क्या है इसका, आउटपुट पावर। पढ़ लो आप लोग उसकी वर्किंग, वर्किंग जो है देख लो, कुछ आपके क्लेस्ट्रॉन वगैरह हैं, चार पांच आपके पास हैं, उनकी वर्किंग देख लीजिए क्या क्या उसमें छोटे आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको बस आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपके थ्योरी का ही ध्यान, ठीक है ना? तो छोड़ के मत जाना इसको, ट्राई करना सब लोग, क्वेश्चन वहां पे करके आ पाओ, है ना? आउटपुट पावर नेक्स्ट। और आप कहेंगे तो एक दिन मैं आपको सारे क्लेस्ट्रॉन जो है उनकी वर्किंग और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको एक दिन क्लास लेंगे, उसमें आप लोग सीख लीजिएगा, ठीक है? सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फेराइट इज अ नॉन कंडक्टर विथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एंड इंसुलेटर विथ नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अ माइक्रोवेव सेमी कंडक्टर इन्वेंटेड बाई फेराडे, एंड इंसुलेटर विथ कायरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? फेराइट इज वॉट? पहला पॉइंट तो कि जो आपके पास फेराइट है, थर्ड में जो लिख रहा है ना आपको, अ माइक्रोवेव सेमी कंडक्टर इन्वेंटेड बाय फेराडे, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट तो गलत हो गया आपका। फिर लिख रहा है वो कि इट इज एन इंसुलेटर विद नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये भी गलत है, ऐसा है ही नहीं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट में है कि अ नॉन कंडक्टर विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सही है, इट इज अ नॉन कंडक्टर विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये ठीक है। फोर्थ पॉइंट में एन इंसुलेटर विद गायरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ दे आर करेक्ट, ठीक है? फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शंस, गॉट इट? हाँ करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए आगे बढ़े। इन एन एलओएस कम्युनिकेशन, वन सेकेंड, इन एन एलओएस कम्युनिकेशन सिस्टम ग्राउंड बिलो द डायरेक्ट पाथ इज द फर्स्ट फ्रेस्नेल जोन एंड इज स्मूथ रिफ्लेक्टिंग। द फेज डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव एट द रिसीविंग एंटीना विल बी 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 एंड 450। बताइए क्या होगा, देखा होगा आप लोगों ने, बताइए क्या होगा?
जो LOS आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम है, बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं इसको, हम लोग इसको यूज करते हैं FM रेडियो, माइक्रोवेव में एंड सैटेलाइट ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए। लाइन ऑफ साइट है ना, लाइन ऑफ साइट। नो आइडिया, किसी को भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, नॉट 360, इट इज 180। ठीक है, बी नहीं होगा। ठीक है, रोहित एंड अंजलि कुमार, इट इज ए ऑप्शन, 180। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ गन डायोड ऑसिलेटर, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द एक्टिव रीजन लेंथ इज दिस वन। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वुड बी, बताइए। आपके पास वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की और एक्टिव रीजन लेंथ जो है वो भी आपके पास गिवन है। क्या आंसर आएगा, क्या बात है, आप लोग सॉल्व नहीं किए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्या आप लोग नहीं वाले। चलिए वन गीगा 10 GHz DR, टी सही, 10 GHz सही, करेक्ट, सिंपल फॉर्मूला है ना। सिंपल, क्या होती है फ्रीक्वेंसी आपके पास, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्टिव रीजन लेंथ, बस आंसर आएगा 10 GHz।
डी ऑप्शन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ड्यूटी साइकिल निकाल लो। आपके पास एवरेज पावर है, आपके पास पीक पावर है ना? ड्यूटी साइकिल आपको पूछी गई, बताइए क्या होगी। चलिए बताओ भाई, जल्दी सॉल्व करो क्विकली। सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, फॉर्मूले वॉर्मूले सभी आते हैं, आप लोगों को याद है। कितना आंसर आ रहा है? एट परसेंट आ रहा है, बी ऑप्शन 8%। एट किलोहर्ट्ज कम्युनिकेशन चैनल हैज SNR ऑफ 30 dB। इफ द चैनल बैंडविड्थ इज डबल्ड कीपिंग द सिग्नल पावर कॉन्स्टेंट द SNR फॉर द मॉडिफाइड चैनल विल बी। बताओ भाई क्या होगा। डबल कर रहे हैं आप, है ना? क्या होगा आंसर? हाँ रुद्र, ई सी एल में ई सी वाले जो है वो भी एलिजिबल है।
चलो आगे बढ़े। तो आप लोग बेसिक क्वेश्चन जो है वो भी आपसे नहीं लग पा रहे हैं, क्या किया जाए बताइए। चलो, इन गन ऑसिलेटर वेयर द डायोड इज ऑपरेटेड इन अ ट्यूनेबल रेजोनेंट सर्किट, मोस्ट ऑफ द सैंपल लेंथ ऑफ द गन डिवाइस इज मेंटेन्ड इन द नेगेटिव कंडक्टेंस स्टेट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द आरएफ साइकिल फॉर डिलेड डोमेन मोड, क्विंच डोमेन मोड, एलएसए मोड, हाइब्रिड मोड। बताइए क्या आंसर आएगा। और कुछ पूछना है रुद्रा, पूछ सकते हैं आप। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। विच मोड इन गन ऑसिलेटर एलएसए, डिलेड, क्विंच्ड और हाइब्रिड। एनीवन? नहीं पता किसी को भी? लगता आप लोगों को ना ये पढ़ना पड़ेगा ना, ये सारी चीजें अभी आप लोग पढ़नी चाहिए। ठीक है, एलएसए मोड जो है यही आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है। देखिए, एलएसए मोड जो है आपके पास होता है गन डायोड में, इट प्रोड्यूसेस सेवरल वॉट्स ऑफ पावर एंड एट मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 20%। ठीक है ना, तो जैसे कि आपके पास अगर आउटपुट पावर डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल इट जनरेट्स 1 वॉट राइट एट 10 गीगाहर्ट्स एंड सेवरल मिली वॉट्स ना, 100 गीगाहर्ट्स। अगर 100 गीगाहर्ट्स है तो मिली वॉट है ना, 1 है तो 10 गीगाहर्ट्स। पढ़िएगा आप इसको तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो एलएसए मोड जो है ये इसका करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। रिपीट हो गया क्या? रिपीट, नेक्स्ट वन। एन इम्पैक्ट डायोड हैज अ ड्रिफ्ट लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। बता दीजिए क्या होगा, सॉल्व करिए, फॉर्मूला यूज करिए, बताइए क्या होगी। ट्वेल्व पॉइंट फाइव गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, नेक्स्ट वन। द ट्रांसमिट टाइम इन द रेपेलर स्पेस ऑफ अ रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन मस्ट बी एन प्लस 3/4 साइकिल्स
to ensure that electrons are accelerated by the gap voltage on their return. Returning electrons give energy to the gap oscillations. It is equal to the period of the cavity of oscillations. The repeller is not damaged by the striking electrons. बताइए क्या हो सकता है आंसर? The correct answer is B part. This one, ठीक है? चलिए next one. The satellite communication link between two point is stabilized with uplink carrier to noise ratio of 20 dB and downlink carrier to noise ratio 14 dB. The overall C by N is close to which one? बताओ ये. क्या आपके पास सही आंसर होगा? अगर आपके पास अपलिंक और डाउनलिंक गिवन है, फॉर्मूला याद है? सभी को नहीं याद है? इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन वन अपॉन सी बाई एन टोटल इज इक्वल टू वन अपॉन सी बाई एन फॉर अपलिंक प्लस वन अपॉन सी बाई एन फॉर डाउनलिंक. तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो डीबी में गिवन है, ठीक है? तो पहले आप एक काम करें, उसको डीबी कन्वर्ट करें, कैलकुलेशन करें, उसके देखिए आपका आंसर आ जाएगा. तो सी बाई एन फॉर अपलिंक क्या गिवन है? 20 डीबी. तो ये कर दीजिए आप, 10 लॉग C by N, ठीक है? तो यहां से आप C by N निकाल सकते हैं. तो C by N कितना आ रहा भाई? एक पॉइंट कैंसिल, 10^2, 100 जो लीनियर स्केल है उसमें आपके पास 100 आ गया. ऐसे C by N निकाल लो आप किसके लिए? फॉर डाउनलिंक के लिए, ठीक है? ऐसे वो कितना आपके पास है? 14, 1.4, 10^1.4, मतलब 10^1.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी? 25. अब यहां पे प्लग करिए और सिंप्लीफाई करिए, सी बाई एन टोटल निकाल लीजिए. यहां पे डेटा रखें जो भी आपने किया है यहां पर, और सिंप्लीफाई करें और देखो सी बाई एन टोटल कितना आ रहा है, ये चेक करो. फिर जो भी आपका टोटल आएगा आंसर किसमें बताना है आपको? डीबी में. डीबी में आप आंसर बताइए, बताओ क्या आ रहा है ऑल ऑफ यू?
डीबी में कन्वर्ट करना है आपको। करो, ट्राई करो सब लोग, 2 मिनट का टाइम लो, आराम से बनाओ जल्दी से, करिए।
ओके अभी ठीक है। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो 13 dB इसका आंसर है। देखो सी बाई एन जो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे टोटल जो आएगा आपके पास अराउंड, आपके पास कितना आ रहा है 20 कुछ आ रहा है ना, 20 आ रहा है, तो ये आपके पास अराउंड आएगा 20। तो बट हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए dB में आंसर। तो चलिए फिर डीबी में सॉल्व कर लें इसको। सो 10 log 20 इन डीबी, सो 10 log 20 2 × 10 कर दें, 10 log 2, 10 log 10, 10 log 2 3, 10 log 10 10, 13 dB, सी ऑप्शन। ठीक चलो आगे बढ़ें। इन अ माइक्रोवेव मेजरमेंट सेटअप द पावर रीचिंग टू द लोड इज फाउंड टू बी 50 mW। इफ अ 3 dB कपलर इज प्लेस्ड बिफोर द लोड द पावर टू द लोड विल बी, बताइए। क्या होगा आंसर? करिए सॉल्व, अपने अपने आंसर बताइए। फॉर्मूले याद हैं सभी? कैसे करना है फॉर्मूले, सभी को याद होंगे? यस और नो? ट्वेंटी फाइव बी ऑप्शन आ रहा है। चलो देखते हैं, देखिए जस्ट गिव मी वन सेकंड। देखिए आपके पास यहां पर, वन सेकंड गाइस, यहां पे हमारे पास ए जो होता है, ए का फॉर्मूला क्या था? ए था आपके पास 10 log base 10 पावर इन पावर आउट, गॉट इट? ये आपके पास है ए, ठीक, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। अटेन्यूएशन कितना रखा उसने आपको? 3 dB, और पी इन कितना रखा उसने आपको? 50 mW, राइट? सो 3 dB इज इक्वल टू 10 log पी इन 50 mW, पी आउट ये आपको यहां पे निकालना है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 25 नियर बाय मिली वॉट आपका मिल जाएगा, मतलब बी ऑप्शन। तो मेन फॉर्मूला ये है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट है, डन, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वन, द मैजिक टी इज कॉमनली यूज इन मिक्सिंग, डुप्लेक्सिंग एंड इम्पीडेंस मेजरमेंट एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एस मैट्रिक्स गिवन एज, ये आपको याद होना चाहिए। तो जिस किसी को याद होगा वो आंसर बता देगा, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। पर आपने मैजिक टी का देखा होगा तो आपको पता होगा। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, मतलब काफी लोगों को याद था ये, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, यस, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, जितने लोग आंसर आ रहा सी करेक्ट। टू अवॉइड डिफिकल्टीज विद स्ट्रैपिंग एट हाई फ्रीक्वेंसीज, द टाइप ऑफ कैविटी स्ट्रक्चर यूज इन द मैग्नेट्रॉन, होल एंड स्लॉट, स्लॉट ओनली, वेन, राइजिंग सम। अब ये तो कुछ कुछ सुना लग रहा है ना, आपने कहीं ना कहीं या तो अपने सेमेस्टर के एग्जाम में या फिर आपने जब ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ये आपने एक वर्ड है जो आपको बिल्कुल सुना हुआ लग रहा है कि ये कहीं सुना था आपने, याद आ रहा किसी को क्या आंसर होना चाहिए, बोलो भाई। बिल्कुल ठीक, करेक्ट, बिल्कुल ठीक, सही है, राइजिंग सन, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज राइजिंग सन, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। चलो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन का पेपर सेट कंप्लीट, इनमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, तो प्लीज सभी लोग क्या करेंगे, इनको पढ़ के जाइए, एक बार देख के जरूर जाइए, ठीक है। तो जब आप रिकॉर्डेड देखेंगे तो उसको स्पीड को बढ़ा लेना, क्योंकि आपको बस क्वेश्चन आंसर देखने हैं, आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लाइव कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको टाइम दिया जा रहा है। जब भी कोई रिकॉर्डेड सेशन देखे इसको आप स्पीड इसकी थोड़ा बढ़ाइए, तो जल्दी से सारे क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए फॉर माइक्रोवेव। इन अ माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक द रेन ड्रॉप एटेन्यूएशन एक्सपीरियंस इज मेनली ड्यू टू द, क्या होता भाई रीजन बताओ, एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव एनर्जी बाय वाटर वेपर, रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन इन वाटर मॉलिक्यूल्स, स्केटरिंग ऑफ माइक्रोवेव्स बाय कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉप्स, एंड द रिफ्रेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स थ्रू लिक्विड ड्रॉप्स लेंसेज फॉर्म बाय द रेन। बैठ जाता हूँ, आपको शायद लास्ट वाला ना दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा हो सभी को, पढ़ लो अच्छे से, चार ऑप्शन ए बी सी डी, बता दो भाई कौन सा आंसर सही है हमारा। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, रिफ्रेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स थ्रू द लिक्विड ड्रॉप्स लेंसेस फॉर्म बाय द रेन, ये बिल्कुल सही आंसर है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया डी, गॉट इट। चलो तो ये कंप्लीट हो गया, सभी लोग ध्यान रखिए, ऑल डन कंप्लीट। हमने आज माइक्रोवेव के 30 क्वेश्चन लगाए, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है और रिपीटिव क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, तो इन क्वेश्चन को फोकस करिए सभी लोग। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपने लाइव क्लास को अटेंड नहीं किया है, रिकॉर्डेड कभी भी आप डीपीपी प्रैक्टिस करें माइक्रोवेव के लिए, मैं आपसे ध्यान रखूंगा, जो भी डीपीपी बनाऊंगा उसके टॉपिक जो है उसको जरूर मेंशन करूंगा, सो दैट जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा, अपनी जो आपकी प्ले स्पीड होगी, जो भी सेशन आप अटेंड करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ाएं, और क्वेश्चन की जल्दी से आप देख के उनके आंसर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो जाने से पहले
एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो सभी को पता है, काफी दिन से रनिंग है, 14 अप्रैल को ये अनाउंसमेंट आपका ध्यान रखिएगा एंड होने वाला है। ठीक है, गेट का 1 ईयर का प्लस का सब्सक्रिप्शन अब आप लोगों के लिए हो गया है ओनली 11,999 रुपीज़ में। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने कम प्राइस में, जो कि बहुत ही देखा जाए तो इजीली आप लोग मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो इतने कम प्राइस में 11,999 में गेट का 1 ईयर का प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। तो अगर आप गेट 2025 का प्लान कर रहे हैं, और 2 ईयर का भी बहुत सस्ता हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप गेट 2025 का प्लान कर रहे हैं, तो इस 1 ईयर के प्लस के सब्सक्रिप्शन साथ में आप बहुत कुछ आपको मिल सकता है, लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है, मोर देन 25,000 क्वेश्चन है आपके पास, है ना। आपके पास लाइव लेक्चर्स हैं, बहुत सारे बैचेस हैं, उनमें जाके पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टीचरों के साथ पढ़ सकते हैं। तो इसका फायदा उठाइए और 1 ईयर का प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उसको लेने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अप्रैल 14 इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। कोड आपको क्या लगाना है, मेरा कोड है MANC10, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोग लिखा है रेड से। तो अगर आप इस कोड को यूज करते हैं, तो जो भी आपके पास वहां पर प्राइस लिस्ट होगी वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी, 11,999। तो इसका फायदा उठाएं और 11,999 में अपने बेस्ट टीचरों के साथ में, जिसके साथ में आपका अच्छी फ्रिक्वेंसी है, जिस साथ आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपको मजा आता है, उनके साथ जुड़िए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है, 1 ईयर का जो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, अब वो भी आपके पास रिड्यूस हुआ है, उसका रेट कितना है, 17,999 ओनली। बहुत ही अच्छा आपके पास इसके लिए भी ऑफर है, कि अगर आप किसी पर्टिकुलर मेंटोरशिप के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर टीचर के साथ में, उनकी स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करते हुए और उनकी मेंटरशिप में, उनके गाइडेंस में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है अब 17,999। ये भी वैलिड कब तक है, अप्रैल 14 तक। मेरा कोड यूज करेंगे आप MANC10, आपको ये ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी 12 मंथ के लिए जैसे मैंने आपको बताया 11,999, ठीक वैसे 24 मंथ जो है वो भी आपका रिड्यूस हुआ है 19,999 फॉर 24 मंथ, राइट। सो सब्सक्राइब नाउ, यूज कोड MANC10, दिस ऑफर इज वैलिड टिल 14, गॉट इट। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, कोड ध्यान रखें, कोड क्या है, MANC10। तो ये सारे एजुकेटर हैं जो आपको मिलने वाले हैं वहां पे, जिनसे आप पढ़ने वाले हैं। तो 2 बैचेस आपके 13 से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप एडमिशन ले लेते हैं आज कल परसों में। तो जो अभी जो नया फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, जहां पे आपके फंडामेंटल्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं, नेटवर्क थ्योरी एंड सिग्नल्स एंड सिस्टम, इन दोनों के साथ में आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ड्रॉपर्स टू टॉपर्स और आरंभ, आरंभ जो है 2026 का प्लान है, और ड्रॉपर्स टू टॉपर्स आपका 2025 का प्लान है। इन दोनों ही बैचेस में आपको क्या मिल जाएगा, नेटवर्क और सिग्नल सिस्टम आपका स्टार्ट होगा। एनरोल करिए अपने आपको, किसी भी एजुकेटर का कोड लगा लें, लाइक माई कोड इज MANC10। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे, इन बैचेस में अपने आपको आप एनरोल कर पाएंगे। आपके ब्रांच ईसी है, आपके ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, या फिर आपके ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन है, आप इन बैच में अपने आपको एनरोल कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो 13 अप्रैल से। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है ना, उसका फायदा उठाएं और 11,999 में आप क्या करें, कोर्स को परचेज करें। तो हो सकता है कि आप लोग मेहनत करें, आप भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आए, या फिर ऑल इंडिया रैंक टॉप 3 में आ जाएं, या फिर आप अंडर 10 में आ जाएं। तो ये हमारे इस साल के टॉपर्स हैं, ठीक है, इन्होंने मेहनत की होगी आपसे, तभी जाके आज यहाँ पे इन लोगों का नाम हुआ है, आप भी मेहनत करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 तरह के आपके पास सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक प्लस होता है, एक आइकॉनिक होता है। प्लस में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, और आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग फीचर, प्रिंटिंग नोट्स है ना, आपके पास है, आपके पास 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे आपको स्टडी का अपना प्लान करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है आइकॉनिक में एक मेंटोर के थ्रू। ठीक है, तो ये बुक्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बुक्स आपके पास होम डिलीवर होती है within 15 days। ये डबल ई की बुक्स की लिस्ट है, ये ईसी की बुक्स की लिस्ट है। ठीक है, बहुत अच्छी बुक्स है, मैंने देखी है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो काफी अच्छा मटेरियल है, बढ़िया कंटेंट है, आप पढ़ सकते हैं। लोन के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं, आपको कुछ ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लोन के थ्रू आप पढ़ लेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग इवनिंग में, एक और सेशन करेंगे। ठीक है, चलो फिर क्लोज करता हूँ मैं सेशन को, थैंक यू एवरीवन।